क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ इंदौर, कहाँ का है? इंदौर का है रजिस्टर्ड डीलर, एमपी, मैसर्स, क्या है मैसर्स, क्या नाम दिया है ये भाई, कोई बुक डिपो वाला है, एस सेंटर हटा। फर्स्ट है विजिटिंग एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, कितने के हैं? 1,68,800 के, ठीक। फिर स्टेशनरी है, फिर टेक्स्ट बुक्स हैं, चॉक स्टिक्स, एक्सरसाइज बुक्स, रिलीजियस पिक्चर्स, न्यूज प्रिंट, स्पोर्ट्स बुक्स वगैरह। अब देखो, यू हैव बिन गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी डज नॉट इंक्लूड्स, फिर उसमें इंफॉर्मेशन देखो आप लोग, स्टेशनरी में डज नॉट इंक्लूड 7,200 चार्ज सेपरेटली फॉर रेलवे फ्राइट, तो ये स्टेशनरी क्या है, ये 5,20,000 ये इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखो, फिर क्या दिया है इसमें, द सप्लाई ऑफ बुक्स अलाउड 16,000 कैश डिस्काउंट, तो बुक्स का है सप्लाई ऑफ बुक्स, उसमें 16,000 कैश डिस्काउंट, कहाँ है बुक्स उसमें, ये वाला टेक्स्ट बुक्स, और कोई बुक्स है क्या, देखो नहीं है, है मैम कहाँ है देखा, एक्सरसाइज बुक एंड ग्राफ मैम, एक्सरसाइज बुक कहाँ पर है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, नहीं तो बुक्स लिखा है तो यहाँ पे भी बुक्स वाला ही होगा, ये पुस्तकों की पूर्ति, ये पुस्तकें, अगर वो ये वाला रहता है एक्सरसाइज बुक तो उसमें लिखा रहता अभ्यास पुस्तिकाएं ग्राफ बुक्स, यही वाला है बस, ठीक है। फिर देखो स्पोर्ट्स गुड्स कितने ये थे, वर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ जयपुर, कोई बात नहीं, जयपुर का दिया है, जयपुर कहाँ पे आता है स्पोर्ट्स गुड्स, जयपुर कहाँ आता है, स्टेट बताओ, राजस्थान में आता है ना जयपुर, है ना, और ये कहाँ का है देखो, एमपी का, तो जब इसमें जीएसटी लगाएंगे ना तो आईजीएसटी करके लगानी पड़ेगी इसमें, आया समझ में, ठीक। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, फिर नेक्स्ट देखो, अच्छा और भी तो पॉइंट्स दिए हैं इधर देखो, द डीलर हैड रिसीव्ड ऑल गुड्स फ्रॉम यूपी, फिर न्यूज प्रिंट सप्लाइड अमाउंटिंग टू 2,24,000 टू रिकॉग्नाइज न्यूज पेपर, न्यूज प्रिंट का है 2,24,000, अखबारी कागज में का है, अखबारी कागज, ये एट्थ पॉइंट, 2,24,000 रुपए का कागज मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को भेजा, ठीक। आगे देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, अफोर्सेड उपयुक्त पूर्ति राशियों में बिल में चार्ज की गई जीएसटी की राशि 40,500 शामिल है, जीएसटी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है, आ रहा है समझ में, तो देखते हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें, यस मैम, टैक्सेबल सप्लाई निकालने बोला है, फिर जीएसटी पेबल निकालने बोला है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो विजिटिंग एंड ग्रीटिंग कार्ड, कितना दिया है देखो, 1,68,800, ये टैक्सेबल होता है। फिर देखो सेकेंड पॉइंट, स्टेशनरी है कितने का है, 5,20,000, इसको मैंने देखो हाईलाइट किया पिंक से, कितना 7,200 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 527,200। फिर थर्ड पॉइंट, ये भी टैक्सेबल है ना, टेक्स्ट बुक्स देखो कितने का दिया है, टेक्स्ट बुक 798,320, और यहाँ पे क्या दिया है, टेक्स्ट बुक्स के लिए देखो
16,000 का कैश डिस्काउंट, ठीक है, माइनस करो 16,000, लेकिन बताओ ना इसको माइनस करके बताओ। मैम 782320, लेकिन ये टैक्सेबल ही नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, टेक्स बुक टेक्स फ्री लिस्ट में अपनी ऐड करते चलो ये सब। फिर देखो स्लेट चॉक स्टिक्स कितना है, ये 30,015, ये भी टैक्स फ्री होता है, लिखते चलो अपनी लिस्ट में। फिर एक्सरसाइज बुक्स एंड ग्राफिक्स 93852, ये एक्सरसाइज बुक्स टैक्सेबल्स होती है ना, और टेक्स बुक टैक्स फ्री। नेक्स्ट देखो, न्यूज़पेपर्स में कुछ दिया था ना, कितने ही न्यूज़पेपर्स कितने के, 28,000 के, ये भी टैक्स फ्री होती है। फिर स्पोर्ट्स गुड्स कितने का दिया है, 2,20,000 का। तो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए क्या लिखा है, 83960, जो कि स्पोर्ट्स का है, ये किसको दे रहा है, इसमें से जयपुर को सप्लाई कर रहा है। मैंने बताया ना इस पे क्या लगेगा, IGST इतने वाले रुपए पे, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, 2,20,000 कट टू कट लिखो अभी। फिर 8th पॉइंट पे आए अपन, डेरीज कैलेंडर्स, और देखो पंचांग वगैरह कुछ कुछ लिखा है। अच्छा पंचांग डायरीज कैलेंडर्स कितना दिया है, देखो नहीं कुछ छूटा क्या मैम, रिलीजियस पिक्चर्स, हाँ और क्या छूटा है, न्यूज प्रिंट, डेरीज कैलेंडर्स कितने का है, 2,70,000 टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट देखो कौन है, रिलीजियस पिक्चर्स कितने का, 40,000 का टैक्सेबल है। न्यूज प्रिंट कितने का है, 3,16,000 का, इसमें कुछ दिया है देखो ब्लू से, कहाँ गया इधर, इसमें से 2,24,000 का रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर को दिया है, टैक्स फ्री होता है, कोई काम का नहीं है अपने। एक सेकेंड, न्यूज़पेपर टैक्सेबल होना चाहिए, अच्छा न्यूज़पेपर टैक्स फ्री लिया है, न्यूज़ प्रिंट टैक्सेबल होना चाहिए, 3,16,000, हाँ। फिर देखो इस पे क्या दिया था, हाँ इसमें एक नोट लिखो आप लोग, क्या लिखेंगे इसमें नोट्स में, बुक्स स्लेट्स एंड चॉक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, आर टैक्स फ्री। नोट किया सबने, चलो टोटल करो टैक्सेबल सप्लाई का, मैम 16,35,852, 16,35,852 यही आ रहा है सबका, yes, आ रहा है नेहा यही, यस मैम, यस मैम, ठीक है 16,35,852 टोटल करो। अब इसमें से देखो टैक्सेबल सप्लाई निकालने बोला ये, ठीक है, तो इसमें देखो जीएसटी अफोरसेड सप्लाई फिगर्स, ये जो सप्लाई वाली फिगर्स थी इसमें क्या लिखा है, जीएसटी है 40,500 का, तो माइनस करेंगे जीएसटी 40,500। एक और क्वेश्चन करवाई थी जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड था, फिर मैंने क्या किया था, सीजीएस यहाँ पे देखो CGST, SGST, IGST लगाने के बाद उसमें ITC करके माइनस किया था 1,500 रुपए वाला, याद आ रहा है किसी को, yes, ma'am. लेकिन इसमें मैं यहाँ पे क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि
अफोर्सेट ये जो सप्लाई वाले फिगर्स है ना इसमें, इसलिए मैं सप्लाई का जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे निकाल के क्या निकालने बोला है, टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ये देखो ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, देखो ये देखो ये सप्लाई फिगर्स में इंक्लूड है, प्लस क्या बोलता है कि टैक्सेबल सप्लाई निकालो, इसलिए इसमें से माइनस कर रही हूँ 15। हाँ 13 में से 4 जाएगा 95352, यही आ रहा है। यस मैम। अब जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये देखो ये जयपुर के को दे रहा है, याद रखना जब भी हम सप्लाई कैलकुलेट करेंगे ये वाला टॉपिक, तो सप्लाई के लिए कहीं हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा हम कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, किसको सप्लाई कर रहे हैं अपन। तो देखो 83,960 का स्पोर्ट्स गुड्स किसको सप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये जो टोटल आया है 15,95352 में से 83,960 माइनस कर लो, किया माइनस 15,95352 में से, यस मैम 15,11,392 यस मैम। तो इन दोनों का 6% निकालोगे और इसका 12%, चलो बताओ कितना आ रहा है मैम, 90683 6% का, 683 आ रहा है, राउंड फिगर करो, पॉइंट में बताओ ना आंसर। मैम 90683.52 0.5 आ रहा है ना, तो उसको राउंड फिगर करोगे 90684। और इसमें बताओ 83960 का 12%, ठीक है तो मैम 18,367.04 किसमें मैम, 12% में, नहीं गलत आ रहा है तुम्हारा, मैं लिखी हूँ ना 10075, देखो टोटल करो जीएसटी, टोटल करो, ठीक है 191443। आया समझ में? मैम मेरा 12% का आंसर तो दूसरा आ रहा है, करो ना बेटा क्लियर करके करो, 83960 का 12% करो ना, रुको कहां से बताऊं, नेहा करो तो बेटा, मैम आ गया आ गया आ गया, संजू कैलकुलेट करो मैम, 10075 आएगा, इतना ही आ रहा है, आ रहा है ना, चलो क्लियर करो, पूरा क्लियर कर दूं।
यस मैम. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लास्ट है मतलब जितने भी वो सकलेचा वाली बुक में बैक क्वेश्चंस थे सारे के सारे हो गए हैं. मतलब चलो अभी क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ उसमें. लास्ट है, कल से सर्विसेज स्टार्ट करेंगे अपन. दिख रहा है क्वेश्चन? नो मैम. देखो यस मैम. देखो नहीं यार, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टाइम. देखो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. मैसेज खुराना एंटरप्राइजेस के दो विभागों के माल का प्रदान निम्न निम्न प्रकार रहा. ठीक है, सुराना मैसेज खुराना एंटरप्राइजेस का दिया. देखो एक है पेपर डिपार्टमेंट का दिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक विभाग का दिया. इधर देखो दो डिपार्टमेंट्स का अलग अलग दिया है. ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन. बुक्स, उत्तर पुस्तिकाएं, न्यूज पेपर्स, आर्ट पेपर्स और इन्विटेशंस एंड वेडिंग्स, ये 5 पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें ये पेपर और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो ये सब दिया है, सब एक्सपेंसेस. अब अदर्स में देखो पैकिंग चार्जेस 18,700 सेपरेटली चार्ज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक गुड्स सप्लाइड टू कस्टमर्स. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का है ना, इलेक्ट्रिक गुड्स यानी बी की बात हो रही है, उसमें लिखा है ग्राहकों को पूर्ति किए गए विद्युत सामान के संबंध में पैकिंग वे 18,700 अलग से वसूल किए गए, तो उसमें पैकिंग का अपन ऐड कर देंगे. नेक्स्ट देखो फिर तो टैक्स निकालने बोला है जीएसटी के लिए गुड्स अंडर पेपर, तो जो पेपर डिपार्टमेंट का है किसका, कागज विभाग के माल पर 5% यानी इस पे 5% देना है. फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे 12% ना, विद्युत माल पर 12%. बहुत सिंपल है, क्वेश्चन स्टार्ट करें. देखो दो कॉलम बनाना, जैसे बता रही हूँ उस टाइप से बनाना. एक बना लो पेपर डिपार्टमेंट का, ए करके लिखना, और नीचे बी इलेक्ट्रिकल का. देखो फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज बुक्स हैं, कितने की हैं देखो, ₹1,85,000. टेक्स्ट बुक होता है तो टैक्स फ्री करते हैं, एक्सरसाइज बुक है इससे टैक्सेबल. फिर क्या दिया, उत्तर पुस्तिकाओं के लिए कागज मतलब न्यूज पेपर फॉर आंसर बुक, यानी पेपर कितने का है 50,000. फिर न्यूज पेपर मैंने बताया ना क्या रहता है, टैक्स फ्री. आर्ट पेपर कितने का दिया है, 10,000 का. फिर कार्ड्स दिया है 77,000 का. ठीक है, तो ये जो वर्किंग नोट है ये तो सिर्फ पैकिंग के लिए दिया था, वो भी इलेक्ट्रिक गुड्स के समय पे. इसका टोटल करो कितना आ रहा है, टोटल बताओ. ये तुम लोग इसका कॉलम आप लोग खुद बनाना ना, एग्रीगेट वाला, मैं डायरेक्ट टैक्सेबल बता रही हूँ. बताओ कितना आया इसका टोटल. मैम 3,22,000. ठीक है,
फिर इस पे फिर देखो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का बनाओ, फिर क्या दिया है उसमें टीवी वीसीआर कितने का दिया है 11,80,000, फिर क्या दिया है सोलर कुकर कितने का दिया है 60,000 का दिया है, लेकिन ये बुक में आंसर तो नहीं आ रहा है 60,000 से कर रही हूँ तो देखो हम सोलर कुकर एक मिनट हाँ चलो पैकिंग का ऐड करो टीवी सोलर बल्ब अदर्स आया टोटल पैकिंग ऐड करो कितना आ रहा है मैम 13,43,700 तो देखो ये आ गया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स ये आ गया पेपर डिपार्टमेंट्स अब देखो पेपर में 5% लगाने बोला है तो लगाओ इस पे 5% जीएसटी और इलेक्ट्रिक पे 12% इस पे लगाओ 12% चलो बताओ मेरे को जीएसटी का अमाउंट अरे कितने लेट करते हो तुम लोग आंसर कैलकुलेट करने में मैम 16100 इसका हाँ हाँ और इसका मैम 16124 ठीक है ये आ गया आंसर है ना आया समझ में यस मैम